श्राद्ध का महत्व है, श्रद्धा से किया गया कार्य ही श्राद्ध कहलाता है। जो अपने पूर्वजों की, पितरों की शांति के लिए जो श्रद्धा भाव से कार्य करता है, मन लगा करके, तन लगा करके, धन लगा करके, वह कार्य श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध की जो शुरुआत है, गरुड़ पुराण में उल्लेख है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के बारे में कुछ संवाद बताया गया। महाराज युधिष्ठिर ने इसी प्रकार से अत्रि मुनि, जो कि श्राद्ध की महिमा का वर्णन सुन रहे थे, उसी समय उन्होंने निमि ऋषि को यह उपदेश दिया, ये ज्ञान दिया कि हे निमि ऋषि, आपके जो पुत्र हैं वह इस लोक में नहीं रहे, इस धरा पर रहे नहीं रहे, तो आप इस इनके उद्धार के लिए, इनकी मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म कीजिएगा। उसी तरह मुनि ने श्राद्ध करना प्रारंभ किया, पूर्वजों का आह्वान किया, पूर्वजों को बुलाया, पूर्वज उनसे प्रसन्न हो गए, पूर्वज प्रसन्न हो गए और पूर्वज प्रकट हुए और उन्हें तरह तरह के आशीर्वाद प्रदान किए और उन्होंने भोजन उनको खिलाया, वह उनसे प्रसन्न हुए। और जब से यह श्राद्ध की परंपरा चली आ रही है और इसी के पश्चात कई ऋषियों ने भी श्राद्ध करना शुरू कर दिए और सप्त ऋषियों की मान्यता भी बताई गई है कि सप्त ऋषियों ने भी श्राद्ध कर्म प्रारंभ किए। और उसी के पश्चात कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ, उसके बीच में युद्ध में कई सेनापति मारे गए, सेनापतियों के उद्धार के लिए और पितृ ऋण के लिए, पितृ ऋण से मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म आरंभ हुआ। इसी प्रकार से आज भी हम सनातन धर्म इस अनुष्ठान को करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरा शुभ नाम पंडित